दोनों हाथों से माजूर हो चुकी है। बेटा ये दिखाएं अपने हाथ, ये देख, ये साथ में इनकी बेटी है, एक बेटा भी है, और ये इनके वालिद साहब हैं कारी ग़ुलाम ईसा साहब, ये इमाम मस्जिद हैं और हमारे बहुत बुज़ुर्ग मोहतरम हैं और किसी ज़माने में हमारे उस्ताद भी थे। तो बस अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से इन्होंने किसी को ज़्यादा नहीं कहा, या आप कह सकते हैं कि बस पर्दे में रहे, हमें बस किसी तरीके से पता चला, किसी के तवसल से कह लें, किसी के रेफरेंस से कह लें, कोई दोस्त हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि इनकी बेटी है, उनके हाथ कट चुके हैं, माजोर हो चुकी है और वो अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से किसी को कह भी नहीं रही। और जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, भाई हैं, वो ये देख सकते हैं। और आपको पता है कि हाथ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उसके बगैर इंसान की क्या ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं। ये अपने हाथ से खाना पीना और भी जो भी मामलात हैं, अपनी हाजात हैं जो, वो आपको पता है नहीं पूरे कर सकते। तो ये बच्ची के वाले साहब हैं, इनसे पूछते हैं थोड़ा। जी कारी साहब बताइएगा, ये कब और कैसे हुआ? जी एक साल पहले बच्ची चार काटते हुए बस जी जी मशीन में हाथ आ गया, कट गए। एक साल से मजबूर है बच्ची, अल्लाह पाक बच्चा करेगा। तो एक तो ये है कि इनका इलाज भी हमें बताएँ कि कहाँ से और कैसे हो सकता है जी जी, और दूसरा है कि अगर हाथ बच्ची के लग जाएँ तो सारी ज़िंदगी हम इंशाल्लाह, मतलब आप हाथ लगवाना चाह रहे हैं बच्ची के, अगर हाथ लग जाएँ तो आप मतलब राज़ी हैं? जी बिल्कुल जी, खुश हैं, अल्लाह इज्जत दे, आप सारी ज़िंदगी।